माने रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीसीटीवी टेक्निकल इंजीनियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है सीसीटीवी बेसिक्स ट्रेनिंग के हवाले से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास कंटेंट आज इस वीडियो में कवर होंगे, वो हमारे पास है व्हाट इज सीसीटीवी, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी, कंपोनेंट्स ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, डायग्राम क्या है दोनों सिस्टम्स की, और एट द एंड हम फिज़िकल प्रेजेंटेशन, जो कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, सीसीटीवी सिस्टम हमारे पास क्या है? सीसीटीवी सिस्टम जो हमारे पास एक क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो हमारे पास यूज़ होता है स्टोरेज के लिए, रिकॉर्ड्स इवेंट के लिए, और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और किस पर्पज़ के लिए हमारे पास? एविडेंस के लिए ना। अरे हमारे पास टाइप्स, सीसीटीवी के टाइप्स कितने हैं? हमारे पास दो टाइप्स हैं, एनालॉग सिस्टम है और आईपी सिस्टम है। आईपी के अंदर भी हमारे पास फिर दो आते हैं। आईपी के अंदर हमारे पास एक वायर्ड सिस्टम होता है और एक वायरलेस सिस्टम होता है। वायर्ड सिस्टम का हम आज इधर डिस्कस करेंगे, वायरलेस हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूँगा और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एनालॉग सिस्टम हमारे पास क्या है? एनालॉग सिस्टम का जो कैमरा है, वो हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास वो वीडियोस को कैप्चर करता है थ्रू लेंस के ज़रिए, और वो एनालॉग सिग्नल भेजता है कोएक्सियल केबल के ज़रिए डीवीआर को, और डीवीआर उसको, उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट हम इसको, ये हमारे पास एनालॉग सिस्टम डायग्राम है। डीवीआर के साथ हमारे पास एनालॉग कैमरे कनेक्ट है, और जो है ना पावर सप्लाई 12 वोल्ट के साथ, सबसे पहले आपने पावर सप्लाई देनी है कैमरेस को, कैमरा फिर उसके बाद आपने डीवीआर के साथ कनेक्ट करना है, और उसका लाइव स्ट्रीम जो है उसका लाइव एलसीडी के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है डीवीआर को मॉनिटरिंग के लिए, लाइव मॉनिटरिंग के लिए। उस डीवीआर को आपने एचडीएमआई के थ्रू आपने उसको कनेक्ट करना है, और अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है, आपने इस डीवीआर को अगर आपने ऑनलाइन करना है, तो आपने इसको राउटर के साथ कनेक्ट करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल राउटर है आईएसपी प्रोवाइडर से, जो भी आपको राउटर मिला है, एयरटेल का है या पीटीसीएल का है, तो आपने उसके साथ उसको कनेक्ट करना है थ्रू नेटवर्क केबल, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, ऐप एप्लीकेशन होगी, उस ऐप के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको डीवीआर को हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिस्टम का। अब आईपी के ऊपर आते हैं। आईपी जो हमारे पास है वो एनालॉग से वो डिफरेंट है, वो भी हमारे पास, वो भी क्या करता है कि नेटवर्क केबल के ऊपर के ऊपर वो अपना जो डाटा है वो सेंड करता है एनवीआर को, और एनवीआर उसको रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये है कि आप जो डिजिटल कैमरा है, जो एनालॉग कैमरा है, उसे आप जब तक आपके पास डीवीआर ना हो, आप उसे इंडिपेंडेंटली आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आईपी कैमरा का यह है कि अगर आपके पास एनवीआर अवेलेबल नहीं भी है, आपने जस्ट कैमरा कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ, तो आप उसे इजीली अपने लैपटॉप के या पीसी के ऊपर या अपने ऐप के ऊपर या वायरलेस के साथ कनेक्ट करके, नेट के साथ कनेक्ट करके उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लाइव, जो लाइव उसके लिए स्ट्रीमिंग के लिए। तो ये जो है ना, इसमें आपके पास ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद आईपी सिस्टम का जो डायग्राम है, उसमें ये है कि आपके पास ये है कि अगर आपके पास पीयूई स्विच है, पीयूई स्विच क्या करता है? पीयूई मींस स्टैंड फॉर पावर ओवर ईथरनेट। ये क्या करता है कि ये आपका कैमरा जब ये आपके कैमरे को पावर भी दे रहा होता है, और उससे आपका लाइव स्ट्रीम भी ले रहा होता है। तो एक ही केबल यूज़ होती है दोनों पर्पज़ के लिए, आप डाटा के लिए भी, और उसी वही केबल, वही नेटवर्क केबल आप पावर के लिए भी दे रहे हैं। तो आपके पास इसमें ये भी एक एडवांटेज है आईपी सिस्टम का, आईपी सिस्टम का, कि आपके पास केबल जो है ना, सिंगल केबल के साथ आप कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पावर जो है ना, वो आपने जस्ट पीयूई को पावर अप, पीयूई स्विच जो है उसको आपने पावर अप करना है। पावर अप करने के बाद
आपने अपने कैमरे जो है ना वो पीयू स्विच के साथ कनेक्ट करने हैं, और उसी स्विच से आपने अपना एनवीआर भी कनेक्ट कर देना है, और उसी स्विच से आपने अपना राउटर भी कनेक्ट कर देना है अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस चाहिए अपने एनवीआर की तो, और आपने अपना लाइव मॉनिटरिंग के लिए या लाइव व्यू के लिए अगर आपने अगर वो आपको एक्सेस चाहिए तो आपको उसको HDMI के साथ आप HDMI या VGA केबल के साथ आपने उसको कनेक्ट कर देना है। लास्ट में हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ CCTV। अब एनालॉग सिस्टम में हमारे पास जो कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले एनालॉग कैमरा है, फिर DVR है, फिर हार्ड ड्राइव है, फिर BNC कनेक्टर है, फिर कोएक्सियल केबल है, और DC कनेक्टर है। और IP सिस्टम में हमारे पास IP कैमरा है, NVR है, हार्ड ड्राइव है, UTP केबल है जिसको हम Cat6 केबल भी कहते हैं, और POE स्विच है। एंड में आपको थोड़ा सा फिजिकली मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जो हमारे पास में जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको ये मेरे पास एक दावा का कैमरा अवेलेबल है जो एनालॉग कैमरा है। ये यहाँ पे हमारे पास BNC कनेक्टर लगता है, ये हमारे पास BNC कनेक्टर का पिन है, और यहाँ हमारे पास में इसके साथ पावर सप्लाई लगती है 12 वोल्ट की। इसके बाद मैं आपको ये हमारे पास DVR है, यहाँ पे हमारे पास BNC कनेक्टर लगता है जो कैमरा यहाँ इस पोर्ट के साथ आके कनेक्ट होता है, और ये हमारे पास ऑडियो की पोर्ट्स होती है, ये हमारे पास VGA और VGA आउट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास VGA की पोर्ट है, हमारे पास दो एक हमारे पास HDMI की पोर्ट है, ये हमारे पास नेटवर्क केबल की पोर्ट नेटवर्क RJ45 की पोर्ट है, इसके थ्रू हम अपने NVR अपने इस DVR को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर सप्लाई की पोर्ट है। तो ये हमारे पास DVR है। अब मैं आपको थोड़ा सा IP कैमरे के बारे में IP सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास NVR है, ये हमारे पास इसकी HDMI पोर्ट है, और ये हमारे पास इसकी नेटवर्क पोर्ट है। नेटवर्क पोर्ट ये है कि हमारे पास जो जितने भी कैमराज होंगे IP कैमरा होंगे वो कनेक्ट होंगे आपके POE स्विच के साथ होंगे, और POE स्विच फिर इसके साथ कनेक्ट होगा, और इसके थ्रू वो आपके पास वो सारे कैमरे इसके अंदर एक्सेस हो जाएंगे। और ये हमारे पास VGA पोर्ट है, डिस्प्ले के लिए पोर्ट है, ये भी हमारे पास HDMI है, और हमारे पास VGA, ये दो हमारे पास डिस्प्ले के लिए पोर्ट्स हैं। और मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये भी हमारे पास दवा का IP कैमरा है, ये इसकी RJ45 की पोर्ट है, और ये हमारे पास पावर सप्लाई की पोर्ट है। पावर सप्लाई हम इसको एक्सटर्नल भी दे सकते हैं और POE स्विच के थ्रू भी दे सकते हैं। सो वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।